हे hey guys, how यू ऑल होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट लेट्स रीडिफाइन द कैट CAT विद मी आकाश Akash, your educator फॉर द कैट एग्जामिनेशन आई एम अ कैट ट्रेनर सिंस लास्ट 13 years, एंड आई हैव क्रैक द कैट एग्जामिनेशन विद 99 plus प्लस परसेंटाइल एट टाइम्स सो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स स्पेशली हम लोग टूर्नामेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं लास्ट के कुछ क्लासेस में हम लोगों ने गेम्स से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखे और उनके सॉल्व करने का तरीका देखा ना गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम 26th ऑफ अप्रैल 2020 को तो रात को नौ बजे से दस बजे का ये स्कॉलरशिप टेस्ट है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस गाइस इज 30 10 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम क्वांट्स एल आर डी आई एज वेल एज इंग्लिश सो मेक श्योर दैट यू गेट द टॉप रैंक सो दैट यू कैन गेट दी ए अन प्लस फ्री सब्सक्रिप्शन फॉर वन ईयर वन से टेंथ वन से टेंथ रैंक को मिलेगा वन ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन इलेवन टू फिफ्टीन सिक्स मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन सो गाइज इलेवन टू ट्वेंटी फाइव यानी कि पंद्रह लोगों को फ्री सब्सक्रिप्शन छः महीने का मिलेगा शुरू के दस लोगों को एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो गाइज इंश्योर करें कि आप लोग इस पूरे के पूरे स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें राइट right? और नॉट ओनली स्कॉलरशिप टेस्ट बट वी आर ऑल्सो हैविंग मेंटोरशिप प्रोग्राम सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द फ्री सेशन बाय अरुण शर्मा सर मनोज महाजन सर एंड प्रवीण त्यागी सर सो दीज आर दी डेट्स 27, 28 एंड 29 9 पीएम टू 10 पीएम 9 पीएम टू 10 पीएम एंड प्रवीण त्यागी विल टेक सेशन्स फ्रॉम 8:30 थर्टी पी टू नाइन थर्टी सो गाइज मेक श्योर दैट यू अटेंड दीज क्लासेज एज वेल एज स्कॉलरशिप टेस्ट द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके okay गाइस तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं उससे पहले अनकेडमिक कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन मिल जाएंगे नाउ अन एकेडमिक कैटलिस्ट इज टेलीग्राम ग्रुप एज वेल यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दी एम एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्सेज क्लासेज एवरीथिंग ओके गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में जनरल क्वेश्चन न्यूमेरिक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सॉल्व किए हैं ठीक टूर्नामेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास मिलेंगे लेंगे टूर्नामेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट वेर इन हारने के बाद एक गेम में हारने के बाद जो लूजर है दैट एलिमिनेट्स राइट वो एलिमिनेट हो जाता है दैट इज एलिमिनेटेड एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में क्या होता है फंडामेंटली यही होता है कि मान लो दस टीमें हैं तो हर टीम दूसरी टीम के साथ खेलेगी हर टीम यानी कि हर टीम दूसरी टीम के साथ एक मैच खेलेगी राइट सो टोटल मैच नंबर ऑफ मैचेस विल बी टेन सी टू आई होप दिस इज एप्सल्यूटली क्लियर ठीक है चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं दिस इज अ कॉइंस बेस्ड क्वेश्चन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन प्लीज रीड दिस डायरेक्शन वेरी केयरफुली डायरेक्शन पढ़ लीजिए तो ये है स्लाइड नंबर वन जिसमें आप लोगों को चीजें बताई गई हैं एंड दिस इज स्लाइड नंबर टू एंड आफ्टर दैट दीज आर फाइव क्वेश्चन राइट तो लेट्स एंड अंडरस्टैंड वॉट इज वॉट नंबर वन एंड स्लाइड नंबर टू से स्लाइड नंबर वन और स्लाइड नंबर टू को समझने की कोशिश करते हैं तो गाइज स्लाइड नंबर वन इज अबाउट अर्निंग्स ऑफ प्लेयर्स राइट अर्निंग्स का डिटेल दिया होगा किस तरीके से अर्निंग्स होंगी कहने का मतलब यहां पर आप लोगों को डिटेलिंग दी हुई है कि किस तरीके से ये गेम चलेगा राइट सो क्वेश्चन टू अर्न मनी अर्निंग्स वुड बी डिटर्माइंग टेबल तो यहां पर एक दो तीन चीजें समझ लें दो पॉइंट सक्सेसिवली अगर कोई टॉस कर रहा है राइट तो मान लो पहले में एच आया और दूसरे में टी आया तो so, इसकी अर्निंग कितनी होगी इस बंदे की इसकी अर्निंग होगी एच मतलब फर्स्ट हंड्रेड एंड दूसरा टेल है मतलब थ्री हंड्रेड टोटल फोर हंड्रेड विल बी अर्निंग आई होप दिस इज क्लियर और दोनों के दोनों एच या दोनों को दोनों टेल आ गए तो फाइव हंड्रेड रुपीजी लेट्स टेक थ्री कॉइंस तीन कॉइंस ले लेते हैं तीन कॉइन टॉस करने के लिए मान लो कॉम्बिनेशन आया एच टी एच तो वॉट विल बी अर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर अर्निंग विल बी वन फिफ्टी एंड टेल्स में डबल ऑफ दैट फॉर हेड दैट मीन फाइव हंड्रेड एंड फिर एच दैट मीन थ्री फिफ्टी तो वन फिफ्टी और तीनों एच या तीनों के तीनों टेल्स आ गए तीनोंड्स या तीनों टेल्स आ गए देन इन दैट केस उस केस में हम लोगों को सेवन फिफ्टी रुपीज प्लेयर को देना पड़ेगा आई होप दिस इज क्लियर सो दिस इज दरऑल टेबल ओके Now the next thing it says, if after a player tosses a particular number of coins, the player immediately next to him tossing the same number of ऑफ and getting the same arrangement as the first player gets, he does not earn anything for that attempt, right? कहने का मतलब अगर दो क्जिक्यूटिव प्लेयर्स का सेम अरेंजमेंट आ गया फॉर एग्जाम्पल इफ टू क्वाइंस टॉस कर रहे हैं देखिए सारे लोगों की क्या दी हुई डिटेलिंग दी हुई है दस के दस लोग दो कॉइन भी कर रहे हैं तीन कॉइन भी कर रहे हैं चार कॉइन भी कर रहे हैं और पांच कॉइन भी कर रहे हैं अगर दस के दस लोग का पूरा का पूरा दिया हुआ है अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो वॉट दिस स्टेटमेंट से दिस स्टेटमेंट इज सेम दैट इफ टू consecutive पीपल आर गेटिंग द सेम अरेंजमेंट राइट देन द लेटर वन विल नॉट गेट एनीथिंग फॉर example, फॉर example यहां पर देखिए थर्ड और फोर्थ टू कॉइन successively टॉस करने में फोर्थ और थर्ड का सेम अरेंजमेंट आ रहा है एच एच राइट तो दिस फोर्थ विल गेट जीरो That's the ओवरऑल idea, राइट right? सिमिलरली अगर मैं फाइव कॉइंस टॉस का अगर मैं चेक करूं फाइव पॉइंट अगर टॉस हो रहे हैं उस केस में अगर मैं चेक करूं तो कोई है ऐसा जो कॉन्जिक्यूटिवली सेम आ रहा है नो फोर टॉस में कॉन्जिक्यूटिवली सेम आ रहा है ऐसा कोई है क्या नो थ्री कॉइंस टॉस में कॉन्जिक्यूटिवली यस yes, आ रहा है देखिए एट्थ और नाइन्थ प्लेयर सेम कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिवली सेम अरेंजमेंट लेकर के आ रहे हैं इसका मतलब इस बंदे को कुछ नहीं मिलेगा सो दैट इज ओवरऑल आइडिया राइट नाउ

खेंगे फिफ्थ सेकेंड सेवन टू और नाइन फाइव टॉस हो रहे हैं राइट फाइव कॉइंस आर गेटिंग टॉस्ड ओके अगर मैं ध्यान से देखूं फाइव कॉइंस अगर टॉस हो रहे हैं फिफ्थ सेवन सेकेंड और नाइन्थ यही है यस फिफ्थ सेवन सेकेंड एंड नाइन्थ तो फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला फिफ्थ वाले को मिल रहा है पूरा टी 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 सेवन्थ वाले को ये मिल रहा है सेकेंड वाले को ये मिल रहा है और नाइन्थ वाले को ये मिल रहा है तो मैं सबसे पहले किसका चेक करूँगा मैं फिफ्थ वाले का चेक करूँगा टी -्टी 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 -्टी, 1250, right? टी 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 ट्वेल्व फिफ्टी राइट टी 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 ट्वेल्व फिफ्टी मिलेगा आप देख लीजिए अरेंजमेंट सारे के सारे हेड या सारे के सारे टेल हैं तो ट्वेल्व फिफ्टी मिल रहा है ना फिफ्थ इज गेटिंग ट्वेल्व फिफ्टी अगर आप सेकेंड का या सेवेंथ का या नाइन्थ का चेक करोगे ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेवन्थ का और सेकेंड का चेक करूँ सेकंड का क्या है टी एच टी एच टी है ठीक है टी एच पी एच टी को अगर मैं चेक करूँ तो ट्वेल्व फिफ्टी से कम आएगा ये आप खुद से देख सकते हैं ट्वेल्व फिफ्टी से कम आएगा चलिए टी एच टी एच टी है तो किस तरीके से होगा टी हंड्रेड एच वन फिफ्टी टी एच एंड टी इन सबको अगर आप ऐड करोगे सो दिस फोर हंड्रेड प्लस थ्री हंड्रेड प्लस हंड्रेड दैट्स एट हंड्रेड 800 प्लस 400 हंड्रेड दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड तो सेकंड वाले को मिल रहा है 1200 हंड्रेड दैट इज लेसर बाकी सारों का भी ऐसे ही कम होगा तो आंसर आर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन आई होप दिस इज गुटली क्लियर आई होप सभी को ये क्लियर हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं विच प्लेयर अर्नस लेस देन नाइन फिफ्टी वेन थ्री कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली लेस देन नाइन फिफ्टी अभी हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था गाइस कि अगर दो कंसेक्यूटिव प्लेयर सेम अरेंजमेंट लेकर के आ रहे हैं तो सेकंड वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा तो सबसे पहले मैं उनको चेक कर लेता हूं। If three coins are है मैं ये चेक करूंगा थ्री कॉइंस सक्सेसिवली टॉस में थ्री कॉइंस सक्सेसिवली टॉस में देखिए नाइन्थ वाले को हम लोगों ने देखा है कि एक भी रुपया नहीं मिल रहा है तो 950 से कम वाले को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो दैट इज वुर राइट गाइस आई होप दिस इज क्लियर सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैट के एग्जामिनेशन में एक्चुअली देखने के लिए मिलेंगे राइट right? चल, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे

तो सबसे पहली बात तो यह है कि थर्ड और सेवेंथ का आपस में स्वैप हो रहा है और फिफ्थ और नाइन्थ का आपस में स्वैप हो रहा है प्रिंटिंग एरर के कारण इसका मतलब सेवन्थ का जो कॉम्बिनेशन है एच टी एच टी एच ठीक जो भी है फोर पॉइंट्स राइट तो सेवन्थ का जो भी कॉम्बिनेशन वो थ्री का हो जाएगा थ्री का सेवन वैसे नाइन्थ का जो भी है वो फाइव को हो जाएगा और फाइव का जो भी वो नाइन्थ का हो जाएगा राइट right. तो अपने पास क्वेश्चन इज टोटल 400 चाहिए और एक टॉस में 500 से ज्यादा चाहिए राइट right. तो अब आप ये देखेंगे कि थर्ड वाले का जो है वो सेवंथ का देखना पड़ेगा राइट right. सेवेंथ का क्या कॉम्बिनेशन है वो देखना पड़ेगा ठीक तो चलिए देख लेते हैं अगर आप सेवंथ का चेक करोगे फोर कॉइंस टॉस हो रहा है सेवंथ का चेक करोगे सेवेंथ इज गेटिंग एच टी टी एच सेवेंथ इज गेटिंग एच टी टी एच और एच टी टी एच सेवेंथ का देखेंगे तो एच टी टी एच आएगा तो एच टी टी एच में क्या हम लोगों को मिल रहा है 400 टोटल एच टी टी एच तो सबसे पहले एच फिर टी फिर टी फिर एच ये सेवन्थ का है राइट right? एच टी टी एच अब आप देखिए दो कंडीशन है टोटल होना चाहिए टोटल होना चाहिए 1400 और एक पॉइंट में पांच सौ से ज्यादा होना चाहिए तो किसी में भी 500 से ज्यादा अर्निंग हो ही नहीं रही है इसका मतलब थर्ड नहीं हो सकता ठीक थर्ड कैन नॉट बी द राइट आंसर मैंने सेवंथ का चेक किया है राइट मैंने सेवंथ का चेक किया है क्योंकि सेवंथ का थर्ड हो गया आई होप दिस इज क्लियर अगला अगर मैं देखूं थर्ड जो है वो कितना मिल रहा है एच एच टी टी ये सेवन्थ को मिलेगा ये सेवंथ को मिलेगा नहीं समझ में आया समझ में ये हम लोगों को समझना ये है कि थर्ड वाले का सेवंथ और सेवंथ वाले का थर्ड हो गया मतलब ये डेटा यहां चला गया और ये डेटा यहां चला गया राइट right? तो अब अगर मैं एच एच टी टी को चेक करूं जो कि थर्ड का है अभी अभी थर्ड का है एच एच टी टी चेक करता हूं एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच ठीक है एच एच फिर टी टी और टी अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना हो रहा है आपका यहाँ पर कितना हो रहा है टोटल 500 से ज़्यादा और ट्वेंटी फाइव में मिल रही है तो आप अपन कैलकुलेट कल, कल, कर लेते हैं टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं 350 पहला मिल रहा है फिर 175 दूसरा मिल रहा है फिर फोर uh, ट्वेंटी थर्ड क्योंकि 50 ज़्यादा मिल रहा है एंड 525 ट्वेंटी फाइव फोर्थ राइट तो अगर आप इन सबको एड करोगे तो एच एच टी टी वन फाइव और टू सेवेंटी फाइव एक मिनट वन सेवन थ्री फाइव और टू सेवेंटी फाइव होगा ये टू सेवेंटी फाइव है राइट सो वन 275 फाइव टू सेवेंटी फाइव इन सबको अब ऐड करोगे तो फोर्टीन हंड्रेड आ जाएगा और एक पॉइंट में फाइव ट्वेंटी फाइव यानी कि ज्यादा भी मिल रहा है राइट right? इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा एच एच टी टी वाला वो किसको जाएगा एच एच टी टी वाला सेवंथ को जाएगा राइट तो आंसर वुड बी द आंसर वुड बी आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी राइट थर्ड right? वाले का कॉम्बिनेशन सेवंथ वाले को चला गया आई होप दिस इज एप्सल्यूटली क्लियर क्लियर है, है? चलिए तो और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे okay. बोथ हेड्स और बोथ टेल्स का डिटेल ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कब जब टू क्वेंस टॉस करना है राइट right? और इंक्रीज कर दे रहे हैं और टेल्स की अर्निंग को 100 से डिक्रीज कर दे रहे हैं अब अगर हम लोग केयरफुली देखें टेबल को टू क्वेंस टॉसिय वाला टेबल देखें यह देखिए यहां पर बोथ हेड और बोथ टेल की डिटेलिंग तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है राइट इसका मतलब ये कंसिडर ही नहीं होगा चेंज इफेक्ट नहीं करेगा राइट right? इसका अर्निंग तो पहले जैसा ही है हम लोगों को टोटल चेंज में ही काम करना है तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है और इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है एनीथिंग एल्स यस इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है राइट right? जो भी चेंज आ रहा है वो या तो एच के डेटा में चेंज आएगा या टी के डेटा में चेंज आएगा तो ये चार के डेटा में तो कोई चेंज नहीं आएगा गाइस लेकिन अगर आप देखोगे एक्स हंड्रेड से बढ़ गया और टेल 10 हंड्रेड से कम हो गया तो ओवरऑल इसमें इंपैक्ट जीरो पड़ गया राइट right. तो इसमें तो जीरो इंपैक्ट इज जीरो तो zero, right. so जीरो है तो ही नहीं कहीं पर भी तो ये हमारा आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर आई होप दिस इज क्लियर ठीक है ओके मंथन वेलकम वेलकम टू द सेशन एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग सो नो प्रॉब्लम विद डैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी चलिए इस तो इसी तरीके से अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इफ़ अर्निंग्स ऑफ ऑल टॉसेज बींग आई टाइप्स ऑफ टॉसेज इनक्रीजेज बाय थर्टी परसेंट अर्निंग्स ऑफ ऑल टॉसेज बींगर हेड्स और टेल्स मतलब ये एच एच या टी टी एच 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 या टी 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 ऑल टाइप्स ऑफ टॉसेज आर इंक्रीज बाय हंड्रेड बाई थर्टी परसेंट देन द टोटल चेंज इन अर्निंग्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस टोटल चेंज निकालना है राइट right? तो so, फिर से मेरे को टेबल को देखना पड़ेगा टोटल चेंज तो टोटल अर्निंग्स हो गई है वो हो गई थर्टी परसेंट से इंक्रीज टोटल अर्निंग्स इज इंक्रीज बाय थर्टी परसेंट तो हम लोगों को पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा हाउ मेनी ऑफ यू आर गेट मेनी ऑफ दीज आर गेटिंग हेड हेड और टेल टेल राइट यस दीज पीपल आर गेटिंग हेड हेड एंड टेल टेल या दीज टू पीपल आर ऑल्सो एंड नथिंग एल्स देन दिस पीपल दिस वन एंड वट एल्स नो दिस वन दिस वन एंड नथिंग एल्स ओके ठीक है थर्टी परसेंट से बढ़ रहा है ओके okay, तो यहां पर अगर आप देखोगे टू के केस में वन टू थ्री फोर बेसिकली इसको तो कुछ नहीं मिलने वाला है सेकेंड वाले को क्योंकि दोनों का सेम कॉम्बिनेशन आ गया है राइट तो यहां पर थ्री इंटू समथिंग करना पड़ेगा थ्री इंटू समथिंग यहां पर सेकेंड वाले को कुछ नहीं मिलेगा वन इंटू समथिंग यहां पर वन इंटू समथिंग एंड यहां पर टू इंटू समथिंग क्यों टू इंटू समथिंग क्योंकि यहां पर कोई कॉन्जिक्यूटिव प्लेयर्स का ऐसा कोई सेम कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है राइट तो अगर आप इसके पहले डिटेलिंग्स वाला टेबल देखोगे बोथ टॉसेस आइदर हेड्स और टेल्स 500 मिल रहा है थ्री टॉसेस के केवन फिफ्टी यहां पर थाउजेंड और यहां ट्वेल्व फिफ्टी फाइव हंड्रेड से लेटेस्ट तो फाइव हंड्रेड ये सेवन फिफ्टी ये थाउजेंड एंड ये ट्वेल्व फिफ्टी एड करते हैं सारों को अगर आप सारों को एड करोगे तो ये हो गए पच्चीस सौ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्लस दिस इज दिस इज थाउजेंड दिस इज सेवन फिफ्टी एंड दिस इज वॉट फिफ्टीन हंड्रेड एट दम ऑल ये जीरो आ गया ये फाइव आ गया पाँच और सात आ, सात और दस सत्रह सेवन कैरी ओवर वन सो बेसिकली टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ठीक है एनी थिंग दैट एल्स दैट वी हैव मिस्ड फिफ्टीन हंड्रेड फाइव आया यहां पर आ गया पांच और बारह पांच अस्सी आया तो बेसिकली इन सब का सम एक्चुअली आना चाहिए एक मिनट इन सभी का सम आना चाहिए सिक्स सेवन फाइव जीरो आप थोड़ा सा ध्यान से देख के करिएगा सिक्स सेवन फाइव जीरो सो दिस इज द टोटल अर्निंग्स राइट दिस इज द टोटल अर्निंग्स अगर आप सिक्स सेवन फाइव जीरो इसका थर्टी परसेंट निकालोगे टेन परसेंट इज सिक्स सेवेंटी फाइव तो थर्टी परसेंट विल बी देखिए सिक्स हंड्रेड का थर्टी परसेंट सिक्स हंड्रेड का ट्रिपल होता है एटीन हंड्रेड और सेवनटी फाइव का ट्रिपल होता है टू ट्वेंटी तो आंसर आ जाएगा टू जीरो टू फाइव इज आर आंसर आई होप ग ये मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेसिक न्यूमेरिसी आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए देखिए यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीजों को आ, सही तरीके से पढ़ना है और सही तरीके से जज करते हुए कंडीशंस का यूज करते हुए क्वेश्चंस बेसिकली कंडीशंस इसीलिए है कंडीशंस इसीलिए प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट यू कैन यूज दैट कंडीशन वेन एज एंड वेन रिक्वायर्ड फिफ्थ कॉइन ओके आपने बताया मंथन क्या बताया एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिफ्थ यस ऑफ कोर्स गाइस तो एक हम लोग भूल गए थे इसीलिए यहां पर फाइव सेवन फाइव जीरो आ रहा था ठीक है फाइव सेवन फाइव जीरो आ रहा था एक हम लोग भूल गए थे तो ध्यान से तो देखना पड़ेगा ठीक है तो वन थाउजेंड और बढ़ जाएगा तो सिक्स सेवन फाइव जीरो आता है ठीक है सिक्स सेवन फाइव जीरो आता है तो उसका आप थर्टी परसेंट निकाल लोगे दैट विल बी टू जीरो आई एम श्योर ओवरऑल आप लोगों को आइडिया क्लियर हो गया है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है मतलब डेटा बहुत सारी चीज़ों में डील करना है थोड़ा सा अगर आप कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और उनको ध्यान से रखते हुए ध्यान में रखते हुए अगर आप चीज़ों को हैंडल करोगे एंड वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम दी ऑप्शन जिसको हम लोग रियर्स रिवर्स गेयर अप्रोच भी बोलते हैं उससे भी आप लोगों को काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी चलिए गईज आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट देखते हैं नेक्स्ट सेट में देखने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू एन आइडिया रिगार्डिंग माय अपकमिंग स्पेशल अपकमिंग स्पेशल जो हैं ट्वेंटी फोर्थ अप्रिल दैट मीन्स टूमोरोक्टिस क्वेश्चन ऑन एलजेबरा अलॉन्ग विदर्टकट्स आई विल मेकिंग यू प्रैक्टिस एंड आई हैिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चन डिफरेंट वराइटीज ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड इंट्रोड्यूस करूंगा मैं कुछ शॉर्टकट अप्रोच और आइडियल अप्रोच इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए राइट right? तो ये मेरे पूरे स्पेशल सेशंस रहेंगे जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस को धार दे सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में एक एक नया डायमेंशन ला सकते हैं राइट सो वन आर मंडे वेन्सडे एंड फ्राइडे मंडे वेन्सडे फ्राइडे वन आर का जो हमारा स्पेशल सेशन रहेगा उसमें आप लोग एलजेब्रा प्रैक्टिस करिए फिर ट्वेंटी को भी फिर से एलजेबरा प्रैक्टिस रहेगा सो गाइज फ्रॉम दी नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई विल आई विल इंक्रीज दी फ्रिक्वेंसी ऑफ माई स्पेशल सेशंस तो मैं कोशिश करूंगा मंडे टू फ्राइडे नाइन पी एम को एवरी डे मैं आप लोगों के लिए एक घंटे का प्रैक्टिस सेेशन लेकर के हूँ क्वांट्स और एल आर डी आई में तो आप लोग मंडे वे फ्राइडे नौ बजे स्पेशल सेशन से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ आई एल बी लॉन्चिंग दी अनअकेडमी अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मैं लॉन्च कर रहा हूँ कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन ज्योमेट्री वेल एज कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन एल मैं एल मैं बेसिकली uh, मैं आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ uh, वगैरह भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग उस कोर्स के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं चलिए गाइज ने क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं गेम्स से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो दिस इज द्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन ओके तो बेसिकली इट्स अ ह्यूज पैराग्राफ राइट दैट एक्सप्लेन्स समथिंग सो whenever you यू सी सच ह्यूज पैराग्राफ डोंट बी स्केयर्ड ठीक है डरना बिल्कुल भी नहीं है ध्यान से पढ़िएगा बहुत सिंपल डायरेक्शंस होते हैं जनरली जब बहुत सारा एक्सप्लेनेशन रहता है राइट द कैट एग्जामिनर इज गिविंग यू द फुल डिटेल ऑफ वॉट इज हैपनिंग सो हियर वी आर गेटिंग द फुल डिटेल्स ऑफ वॉट इज हैपनिंग एंड इट्स अ नॉकआउट टूर्नामेंट राइट एज इट इज रुटन ओवर हियर तो इसको आप लोग देख लीजिए स्क्रीन ले सकते हैं मैं थोड़ा स्लाइड को समझा दूं एक बार उसके बाद फिर दीज आर दी नेम ऑफ नेम्स ऑफ प्लेयर्स दीज आर दी नेम्स ऑफ प्लेयर्स टोटल थर्टी टू प्लेयर्स आर देर राइट एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टूर्नामेंट एंड देर आर सम क्वेश्चन ओके देर आर सम क्वेश्चन ऑफ कोर्स सो दीज आर द्वेश्चन्स ओके तो जस्ट मिनट लेट मी इंट्रोड्यूस अ न्यू स्लाइड सो डेट एक्सप्लेन ई आई कैन एक्सप्लेन यू नया स्लाइड आपको इंट्रोड्यूस कर दू इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि दिस इज अ गेम वेर इन पीपल जो लोग हैं वुमेंस टूर्नामेंट है तो उन लोगों को सीडिंग दी गई है राइट right? सीडिंग का मतलब हो सकता है रैंकिंग राइट सीड वन हाइएस्ट रैंक सीड टू सेकेंड हाईएस्ट सीड थ्री थर्ड हाईएस्ट एंड फोर एंड सो ऑन इस तरीके से जो सीडिंग दी जाती है ये बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसोसिएशन ऑफ टेनिस टूर्नामेंट और ये एक विम्बलडन हो सकता है या फ्रेंच ओपन हो सकता है वॉट एवर इट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे हर एक प्लेयर को एक रैंकिंग दी जाती कि भाई इस पर्टिकुलर प्लेयर के जीतने की चांसेस ज्यादा है तो जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा है so तो सीडिंग दी गई है राइट नाउ क्वेश्चन का सीनारियो कुछ ऐसा है कि टोटल थर्टी टू प्लेयर्स एज यू हैं। तो बेसिकली राउंड वन बेसिकली ये में मैच हो रहे हैं तो राउंड वन राउंड टू इस तरीके से मैच चलेंगे राइट राउंड वन सोलह मैचेस होंगे कैसे होंगे बताऊंगा थोड़ी देर में राउंड टू एट मैचेस होंगे राउंड थ्री फोर मैचेस होंगे राउंड फोर टू मैचेस होंगे और राउंड फाइव वन मैच होगा सो दिस राउंड विल बी क्वार्टर फाइनल दिस राउंड विल बी सेमीफाइनल एंड दिस राउंड विल बी फाइनल राउंड वन राउंड टू देन क्वार्टर फाइनल देन देन फाइनल, किस तरीके से ये मैच चलता है जरा मैं आपको समझा दूं एक बार सो दैट वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली राउंड वन में वन और थर्टी टू का मैच होगा सीड वन और सीड थर्टी टू का टू और थर्टी वन थ्री और थर्टी फोर और ट्वेंटी नाइन एंड सो ऑन एंड सो ऑन इस तरीके से सिक्सटीन का सेवनटीन के साथ होगा ये टोटल सोलह मैच हो गए राउंड वन में जो भी जीत रहा है जो जीत रहा है उसको मैं सर्कल लगाऊंगा राउंड वन में लेट से सारे के सारे एज्यूम करते हैं कि सारे के सारे हायर सीडेड प्लेयर जीत चुके हैं तो राउंड टू का पहला मैच वन यानी कि फर्स्ट मैच का विनर और सिक्सटीन मतलब लास्ट मैच का विनर इनके बीच में होगा सेकेंड मैच का विनर और सेकेंड लास्ट मैच का विनर के बीच में राइट तो इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और इस तरीके से मैचेस होंगे फिर नेक्स्ट राउंड में क्या होगा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हायर सीडेड सारे जीत रहे हैं तो नेक्स्ट राउंड में वन और एट टू और सेवन थ्री और सिक्स एंड फोर एंड फाइव का मैच होगा राइट यानी कि क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में लेट से वन और फोर टू और थ्री और फिर फाइनल में वन और टू आई होप दिस इज क्लियर तो इस तरीके से मैच चल रहा है तो टोटल तो नंबर ऑफ मैचेस अगर आप देखोगे सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस थ्री ट्वेंटी थर्टी वन टोटल थर्टी वन मैचेस हो रहे हैं तो ये है ओवरऑल गेम का सीनारियो राइट अब हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ आर नो अपसेट अपसेट का मतलब होता है द लोअर सीडेड प्लेयर बीटिंग द हायर सीडेड वन लोअर प्लेयर प्लेयर जो है वो हायर को हरा दे इसको अपसेट कहा जाता है सेकंड राउंड रिजल्ट इन अपसेट तो नहीं है सेकंड राउंड में six, seven और eight result हो रहा है अपसेट में। तो लिंसे डेवन पोर्ट के साथ क्वार्टर फाइनल में कौन खेलेगा <coughs> तो अब आप सेकेंड राउंड का सीधे सीधे बनाना शुरू करें सेकेंड राउंड में कितने मैचेस होंगे टोटल एट मैचेस होंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट राइट क्वेश्चन मैच नंबर सिक्स सेकेंड राउंड रिजल्ट के साथ टू का फिफ्टीन के साथ थ्री का फोर्टीन फोर का थर्टीन फाइव का ट्वेल्व सिक्स का सिक्स का आएगा अपना इलेवन सेवन का टेन और एट का नाइन राइट अभी सिक्स सेवन एड एट ही अपसेट हो रहे हैं इसका मतलब इलेवन टेंीत रहे बाकी सारों में कोई अपसेट नहीं है तो इसका मतलब ये सारे लोग जीत रहे हैं अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि वुनपोर्ट इन दी नेक्स्ट राउंड इज फाइनल राउंड नेक्स्ट राउंड इज फाइनल तो क्वार्टर फाइनलोर्ट के साथ कौन भिड़ेगा पहले तो मेरे को यह देखना पड़ेगा कि लिंसे रैंकिंग या की सीडिंग क्या है की सीडिंग, सीडिंग number two. <coughs> अभी number two साथ खेल रही है वो देख लेते हैं नंबर टू किसके साथ खेल रही है भाई देखिए नेक्स्ट राउंड में नंबर टू विल प्ले विद दी विनर ऑफ द सेकंड लास्ट मैच ऑफ दिस राउंड टेन नंबर पे कौन है अगर आप देखोगे फिर से देखो टेन नंबर पे कौन है वीनस विलियम्स सो डू वी हैव एन ऑप्शन ऑफ वीनस विलियम्स वीनस विलियम्स का ऑप्शन है क्या हमारे पास यस वी हैव फोर्थ ऑप्शन आई होप क्लियर ठीक है फोर्थ ऑप्शन आई होप दिस इज एप्सल्यूटली क्रिस्टली क्लियर बस इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को भी हम लोगों को सॉल्व करना है गाइज चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इफ एलेना एंड सेरेना लूज इन द सेकंड राउंड वेल जस्टिन है क्वार्टर फाइनल्स सो दीज टू गाइज एलेना एंड सेरेना लूज द सेकेंड राउंड राइट सेकंड राउंड में ये लोग लूज कर रहे हैं बाकी जस्टिन और पेट्रोवा तो आगे बढ़ जा रहे हैं शरापवा क्वार्टर फाइनल रीच कर ले रही सेकंड राउंड की बात करें कुछ कहा नहीं है इसका मतलब अपसेट नहीं है अपार्ट फ्रॉम दीस टू एलेना एंड सेरेना तो सेकेंड राउंड की बात करें तो फिर से वही हम लोगों को करना पड़ेगा सेकेंड राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल में मारिया शारापुआ से कौन भिड़ जाएगा ये देख लेते हैं तो सेकंड राउंड की अगर फिर से एक बार बनाना पड़ेगा देखिए ये थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है राइट इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं है राइट मेंटल वर्क नहीं है सिर्फ मेहनत वाला है तो सेकंड राउंड अगर मैं देखूंगा आठ मैचेस हो रहे हैं सेकेंड राउंड में राइट right? तो वन टू लिख देता हूँ फोर फाइव सिक्स सेवन एट और ये हो रहा है सिक्सटीन के साथ ये हो रहा है फिफ्टीन के साथ ये हो रहा है फोर्टीन ये, ये हो रहा है थर्टीन ये हो रहा है ट्वेल्व ये हो रहा है इलेवन ये हो रहा है आपका टेन एंड ये हो रहा है नाइन ये सेकेंड राउंड क्वार्टर फाइनल में मारिया शारख के साथ कौन खेलेगा बेसिकली एट या नाइन में से ही कोई खेलेगी लेकिन यहाँ पर देखो एलेना एंड सेरेना लूज इन द सेकंड ये सेकंड राउंड है एलेना एंड सेरेना तो देख लेते हैं एलेना एंड सेरेना और राइट सेरेना तो हार गई है राइट right? नाडिया तो आगे बढ़ गई है इसका मतलब नाडिया के साथ ही होगा एट और नाइन में से सेरेना हारी है सेरेना हारी है राइट right? सेरेना हार गई है तो सेरेना का नंबर है एट राइट सेरेना का नंबर है एट इसका मतलब ये हार गई है ये हार गई है इसका मतलब नाइन्थ के साथ होगा नाइन्थ है नाडिया पेट्रोवा सो द राइट आंसर मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड में वन का नाइन के साथ होगा राइट टाइम तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था द आंसर विल बी नाडिया पेट्रोवा आई होप गाइस दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर ठीक है मंथन को समझ में आ रहा है चलिए दो क्वेश्चन और बचे हैं चलिए देखते हैं इस सेट के दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं लेट अस सी

और उसमें इवन नंबर्ड मैचेस को अपसेट कराना पड़ेगा ये काम हम लोगों को करना है अब क्वेश्चन इज फेसिंग मारिया शार इन द सेमीफाइनल्स चलिए देखें तो उसके लिए इवन नंबर्ड मैचेस को हम लोगों को यहां पर मैं बना लेता हूं इवन नंबर्ड मैचेस राइट और उनको मेरे को अपसेट कराना है तो पूरा लिखना पड़ेगा लेट्स राइट इट और याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी कोई लॉजिक या मेंटल वर्कआउट करने की कोशिश मत करें पूरा लिख लो आराम से ठीक है और देखते चलो कि क्या हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ये फर्स्ट मैच है थर्टी टू उल्टा गिनती लिख देता हूँ थर्टी वन थर्टी ट्वेंटी नाइन 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17. सारे के सारे ईवन नंबर मैचेस क्या हो रहे हैं अपसेट हो रहे हैं तो लेट मी यूज़ डी डिफरेंट कलर ईवन नंबर मैचेस ऑल द रिजल्ट ऑल द ईवन नंबर मैचेस रिजल्टेड इन अपसेट. व्हाट डज इट मीन दैट मींस दीज़ ऑल विल बी द विनर. राइट right? ये सारे इवन नंबर मैचेस हैं राइट दिस इज सेकंड मैच थर्ड फोर्थ मैच एट्थ मैच सिक्स मैच एंड और यहां पर से तो ये लोग जीत रहे हैं वन थ्री फाइव ऑड नंबर मैच में तो कोई भी अपसेट हो नहीं रहा है राइट right? ओके okay? अब हम लोगों को करना क्या है नेक्स्ट राउंड की बात कर लेते हैं हु कुड बी लोवेस्ट उससे कौन हुड बी उस पर आते हैं थोड़ी देर में पहले फिलहाल ये तो है आपका सेकेंड राउंड अभी क्वार्टर फाइनल की बात करते हैं क्वार्टर फाइनल में तो सॉरी राउंड है राइट सेकेंड राउंड है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट uh, नेक्स्ट uh, जो होगा फर्स्ट राउंड में सोलह मैच राइट फर्स्ट राउंड में तो ये सेकेंड राउंड है दिस इज सेकंड राउंड दिस इज द फर्स्ट राउंड ठीक है ये फर्स्ट राउंड है ये सेकेंड राउंड है सेकेंड राउंड में आठ मैचेस होंगे तो अभी देखिए वन जो है सेवनटीन के साथ होगा ये वाला हो गया वैसे ही थर्टी वन का एटीन के साथ फिफ्टीन के साथ होगा फिफ्टीन थर्टी वन एक ये भी हो गया फिर वैसे ही थर्ड का नाइनटीन के साथ होगा थर्ड नाइनटीन राइट थर्ड नाइनटीन वैसे ही ट्वेंटी नाइन का थर्टीन के साथ होगा थर्टीन ट्वेंटी नाइन तो थर्टीन हो गया ट्वेंटी नाइन हो गया हम्म सही है चार हो गए फिर ट्वेंटी वन का फाइव के साथ फाइव का ट्वेंटी वन के साथ तो फाइव का ट्वेंटी वन के साथ हो गया हो गया अभी ट्वेंटी सेवन्थ का इलेवन के साथ इलेवन ट्वेंटी सेवन लिख रहा हूँ राइट मैं हायर सीडेड लेफ्ट में लिख रहा हूँ लोअर सीडेड राइट में लिख रहा हूँ राइट इलेवन भी हो गया फिर ट्वेंटी थ्री का सेवन के साथ सेवन का ट्वेंटी थ्री के साथ होगा ट्वेंटी तो थ्री और सेवन भी हो गया फिर नाइन और ट्वेंटी फाइव का होगा नाइन और ट्वेंटी फाइव दी सेकेंड राउंड राइट क्वेश्चन एक बार मैं फिर से देख लेता एक बार सेमीफाइनल uh, में हु कुड बी द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारा खुआ राइट ओके ओके तो सेकंड राउंड हो गया अब इसके बाद क्वार्टर फाइनल आएगा क्वार्टर फाइनल में क्वार्टर फाइनल में क्या होने वाला है वन और नाइन का फिफ्टीन और सेवन का थर्ड और इलेवेंथ का और फाइव और थर्टीन का यह है क्वार्टर फाइनल राइट अब आएगा सेमीफाइनल semi सेमीफाइनल में वन का कुकुट बी सीडेड प्लेयर सेमीफाइनल की बात रही सुन लो देखिए देखिए सेमीफाइनल में वो फाइव से भिड़ सकती, सकती है या थर्टीन से भिड़ सकती है राइट सेमीफाइनल में फाइव से भी भिड़ सकती है थर्टीन से भी भिड़ सकती है लेकिन सेमीफाइनल में क्योंकि ये नाइन को तो हराएगी ठीक है तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है इनका भी कोई चांस नहीं है क्योंकि ये जो गेम है उसका सीनारियो कुछ ऐसा है कि फर्स्ट और लास्ट मैच के विनर और सेकेंड और सेकेंड लास्ट मैच के विनर्स को जीतना है तो यहां पर फर्स्ट मैच ये है लास्ट मैच ये है फाइव और थर्टीन के बीच में तो फाइव और थर्टीन के बीच में अगर पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है हु कुड बी दी सीडेड प्लेयर तो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है गाइस ये जो है है इट इज सीडेड प्लेयर नहीं ये तो भी सकती है, लेकिन हमको निकालना है कि हु कुड बी लोवेस्ट सीडेड प्लेयर सीडेड प्लेयर इज थर्टीन तो थर्टीन नंबर पर जो है वो सेमीफाइनल में मारिया के साथ खेलेगी थर्टीन नंबर पर कौन है वही देखना है हम लोगों को एनास्तासिया मिस्कीना इज दे आर इन दी ऑप्शन यस ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन आई होप गाइस दिस इज एप्सल्यूटली क्लियर ओके ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है राइट तो इस पूरे पूरे क्वेश्चन का पहले तीन क्वेश्चन सेट का पहले तीन क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं गाइज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे कल कल जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ठीक है एल टूर्नामेंट्स पार्ट टू में तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मुझे देंगे द क्वेश्चन इज इफ द टॉप एट सीट मेक इट क्वार्टर फाइनल देन हु अमंग द प्लेयर लिस्टेड बिलो वुड डेफिनेटली नॉट प्ले अगेंस्ट मारिया शरापो इन द फाइनल इन केस शराफो इच इज द फाइनल डेफिनेटली नॉट प्ले सो डेफिनेटली नॉट प्ले इस चीज को याद रखते हुए आप लोग इसका एंसर्स देंगे नेक्स्ट सेशन में सो so गाइज अभी जाइएगा मत और इंपॉर्टेंट यूट्यूब अनाउंसमेंट नेक्स्ट यूट्यूब लाइव सेशन बाय मी टूर्नामेंट्स पार्ट टू तो इसी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल वन पी एम को आज की क्लास अगर आपको समझ में आई कुछ समझ में आया और लॉजिकली आप लोगों को वायबल लगा किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है जो भी है आप लोगों की शिक्षक शिकायत वो सारे के सारे आप लोग कमेंट सेट में लिखेंगे और इस वीडियो को जरूर लाइक करिए राइट सो दैट आई कैन ऑल्सो मोटिवेटेड सो गाइज विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडे सेशन होप यू एन्जॉयड इट गुड लक टेक केयर बाय बाय हैप्पी लर्निंग नमस्कार शुक्रिया और स्टे सेफ